गेमिंग में करियर बनाना इज नॉट दैट इजी अनलेस यू नो द ट्रेंड। अगर तुम एक गेमिंग एंथुजियास्ट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खजाने की तरह हो सकती है। सो गाइस, एक कहानी बहुत मशहूर है कि जब किसी एक जगह पर ट्रेजर यानी खजाने की खोज मिला तो सभी लोग वहां भाग के चले गए खुदाई करके खजाना ढूंढने के लिए। अब सबके सब जब वहां पे जाके खजाना ढूंढने लगे तब एक लड़के ने सोचा कि मेरा वहां पे जाके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि खजाना तो लिमिटेड ही है और मुश्किल से किसी एक जन को ही मिल सकता है, तो वहां जाना मतलब टाइम वेस्ट है। तो उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि क्यों ना खोदने के लिए वो शवल बेचना शुरू कर दे। अब शवल के बारे में तो सबको पता ही होगा ना, जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट खेल के रखा है। अब ऑब्वियसली इतने सारे लोग खजाने के पीछे भागे हैं उसे खोद कर निकालने के लिए, तो शवल की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो उसने तुरंत वो बेचना शुरू किया और देखते ही देखते सारे शवल बिक गए। उसने भीड़ चाल में ना पड़कर भी उस ट्रेंड का एक अलग इस्तेमाल किया और खजाने से भी ज्यादा फायदा उठाया। ये कहानी मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं सुनाया। अगर तुमने भी 2024 में एज अ गेमिंग एंथुजियास्ट ऐसा फॉर्मूला अपना लिया तो चांसेस आर हाई कि तुम उन बाकी गेमर्स की तरह जो दिन रात लगे पड़े हैं गेम्स खेलकर वीडियोस बना के गेमिंग में करियर बना के खूब सारा पैसा छापने की कोशिश में, उनसे कई आगे निकल जाओगे। और जब एक बार आगे निकल जाओगे तब वो भी कर लेना जो वो अभी कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर सिंपली बताओ तो भीड़ चाल में जाके अपनी अपॉर्चुनिटी को कम ना करके थोड़ा अलग ट्रैक पकड़ के अपॉर्चुनिटी को डबल कर लो। इस वीडियो में 2024 में और आगे के कुछ सालों में क्या गेमिंग ट्रेंड्स रहेंगे वो शेयर कर रहा हूँ, और अगर इनका सही इस्तेमाल करना सीख लिया ना तो बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों से 2025 आते आते फॉर श्योर। तुम्हें पता है 2023 में ग्लोबली 3.9 बिलियन टोटल एक्टिव गेमर्स पाए गए, और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2024 आते आते ये नंबर बढ़ के 3.32 बिलियन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। पूरे यूएस में 3000 से ज्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, और अगर एशिया की बात करूं तो 1.5 बिलियन गेमर्स का घर है ये। 55% जो पुरुष है ना, मेल्स जो है ना, वो गेमर्स ही है। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि 100% पुरुष इस दुनिया में है और उनमें से 55% लोग गेमर ही है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि टोटल गेमर्स जितने हैं उनमें से 52% गेमर्स ने किसी ना किसी एक गेमिंग सर्विस पर सब्सक्राइब करके रखा है खुद को। जैसे मान लो कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर कोई गेम का हो गया, एनीथिंग इट कुड बी, कोई भी डिवाइस का हो गया सब्सक्रिप्शन, जैसे कि PS5 का सब्सक्रिप्शन आता है। तो ऐसा ही जैसे आप लोग Amazon, Netflix इन सभी का कभी ना कभी तो लिए हो सब्सक्रिप्शन। पिछले 10 सालों में हर साल गेमर्स की क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में किस तरह से आगे बढ़ा है वो इस चार्ट में देख लो। 2015 से लेके 2024 तक की कहानी है ये। और ये देखो, ये है एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर्स की क्वांटिटी हर एक कंट्री में कितना है। यूएस टॉप में है, उसके बाद चाइना एंड इवन वियतनाम जैसी कंट्रीज तक इसमें शामिल है, लेकिन इंडिया अभी तक इसमें नहीं है। लेकिन अगले 5 सालों तक यानी 2028 आने तक इंडिया भी इसमें शामिल हो जाएगी। बट इतना सब कुछ बताने का क्या फायदा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा फायदा है? द मेन पॉइंट इज टू लेट यू नो ट्रेंड इज किंग। मोस्टली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ ट्रेंड नाम से ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि ट्रेंड दो तरह के होते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो अभी कुछ ही टाइम के लिए आया है और कभी भी चला जा सकता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो फ्यूचर को ध्यान में रख के होता है, जिसमें अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टेंट क्रिएशन का कोई ट्रेंड है जो तुमने सुना और जाके उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये ट्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में तो रहेंगे, लेकिन जिसके लिए तुम्हें थोड़ा एफर्ट भी देना पड़ेगा अपनी तरफ से, जिसे सीखना पड़ेगा और खुद अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करना पड़ेगा, और फिर जाके उस पर बिजनेस या कुछ भी करियर जैसे तुम बिल्ड करना चाहते हो उसके माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यहां या तो तुम सबसे पहले आओ वरना सबसे बेस्ट लेके आओ। जिन लोगों के लिए बेस्ट देना पॉसिबल नहीं होता है वो सबसे पहले आते हैं, तो यहां पे इस ट्रेंड को तुम सबसे पहले भी काम में लगा सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट सीखकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो ट्रेंड रहेगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, VR और AR, मतलब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑलरेडी तुम लोगों ने एप्पल विजन प्रो के बारे में तो सुन ही लिया होगा, ये 2024 में बस जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाला है और उससे पहले भी लॉन्च हो जाएगा शायद से। और ऑलरेडी इसका बहुत सारा यूसेज शुरू हो चुका है और इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो चुकी है। अब ये ना तो कोई प्रॉपरली VR डिवाइस है ना तो कोई प्रॉपरली AR डिवाइस है, दोनों का एक मिक्सचर या कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। VR का इस्तेमाल ना ऑलरेडी बहुत जगहों पर होना शुरू हो चुका है। जैसे मान लो जब भी तुम लोग कोई 3D मूवी देखने जाते हो, उस टाइम पे जो ग्लासेस तुम पहनते हो और उसके बाद जो मूवी देखते हो, फिर वो मूवी लगता है कि तुम एक्चुअली में उस मूवी के अंदर हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी है। अब वो ग्लासेस भले ही VR ग्लासेस नहीं है, लेकिन स्टिल VR की कुछ ऐसी खासियत है जो एक्चुअली में आपको फील कराता है कि आप उस जगह पर हो। AR थोड़ा सा अलग है VR से। AR का काम होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब वो आपकी रियल लाइफ में उस वस्तु को, उस चीज को लाकर खड़ा कर देगा, आपको लगेगा कि आपकी रियल लाइफ में वो चीज है, एग्जिस्ट कर रही है अभी आपके सामने। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस चीज का इम्प्लीमेंट गेमिंग में हो
होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 2024 के बाद से और ज्यादा इसका ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम अगर आप एक्चुअली में इस ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो, अपने करियर को अलग ट्रैक में ले जाने के बारे में सोच रहे हो, तो दिस इज द फील्ड जहां पर आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। जब आप एक बार इन सभी चीजों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दोगे, स्टडी करना शुरू कर दोगे, थोड़ा ज्ञान लेना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी आइडियाज जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। विजन प्रो आने वाला है। अब विजन प्रो आने के बाद क्या होगा कि उसके रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, एप्स होंगे, जो भी, क्योंकि उसके लिए तो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनने शुरू होंगे, एप्स बनने डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, तो उस फील्ड की बहुत डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे लोग जाना शुरू कर देंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि विजन प्रो को लोगों ने पसंद किया है और ये चीज और ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात, अभी तो सिर्फ एप्पल ने लॉन्च किया है, अभी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि अब एप्पल को देखकर यही डिवाइसेस बनानी स्टार्ट कर चुकी है और वो भी लॉन्च करेंगे एप्पल के बाद। और इससे जुड़ी एक और चीज जो ट्रेंड करने वाली है वो है इमर्सिव कंट्रोलर्स एंड हैप्टिक फीडबैक। रिसेंटली आइसो स्पीड भी अपने स्ट्रीम पर ऐसे ही डिवाइस के साथ खेल रहा था और उसमें बहुत मजा आ रहा था लोगों को एक्चुअली में देखने में। मैं खुद उस स्ट्रीम को देखा और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा कि जब कोई इंसान नॉर्मल बैठकर पीसी में गेम खेलना या फिर मोबाइल में गेम खेलने से बेहतर, जब भी कोई इंसान अपने हैंड मूवमेंट्स या फिर अपने बॉडी मूवमेंट्स के जरिए गेम खेल रहा है, तो लोग ना सिर्फ उस गेम को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि उस इंसान को भी देखकर उनको मजा आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक अच्छे इमर्सिव कंट्रोलर के जरिए खेलना स्टार्ट करते हो। इमर्सिव कंट्रोलर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो भी कुछ एआर और वीआर के जैसे ही होता है, जहां पे आप नॉर्मली क्या करते हो कि आप एक ग्लासेस पहन लेते हो, जो नॉर्मली आपके सामने एक वीआर ग्लासेस टाइप का कुछ ऐसा पहना हुआ रहता है, और आपके सामने जो है हाथ में मशीन्स वगैरह कुछ रहेंगे जिसके जरिए आप कंट्रोल करोगे, और जब भी आप कोई एक्शन करते हो, जब भी फाइटिंग कर रहे हो या फिर जब भी आप पर कुछ ना कुछ हो रहा है, तब वाइब्रेट भी होगा जिससे आप फील करोगे कि हाँ एक्चुअली मैं उस गेम के अंदर हूं और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। तो आपके रिएक्शंस भी कुछ उस लेवल के आएंगे और आपकी ऑडियंस जो होंगी वो भी इस चीज को मजे में बहुत मजा करेगी इसको खेलने में। एंड ऊपर से ना सिर्फ आप इसको एक कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो बल्कि इसको आप देख सकते हो एक अच्छे खासे बिजनेस के रूप में भी, क्योंकि इस चीज का डिमांड भी बढ़ने वाला है आगे जाके। इन जैसे गेम्स को भी डिजाइन करने के लिए गेम डिजाइनर की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे 3D एनिमेटर्स लाइक UX UI डिजाइनर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत पड़ेंगी लोगों को। तो आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो इन चीजों के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर घुसने के लिए, बिकॉज दिस आर द फ्यूचर। द नेक्स्ट थिंग जो ट्रेंड में रहेगा वो है AI, वो भी गेमिंग में। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ऑलरेडी हर एक फील्ड में AI का इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है, एंड गेमिंग is also not an exception. AI का implement कहाँ नहीं होगा यार, AR में होगा, VR में होगा, जो सारे games नए नए बन रहे हैं उन सभी में AI का और तगड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब तो कुछ ऐसा भी सीन हो जाएगा कि characters अपने आप में story develop कर पाएंगे, जो AI होगा वो अपने आप से game को और ज्यादा hard बनाएगा, और ज्यादा मजेदार बनाएगा, जो खेल रहा है, जो gamer है उसके लिए और तगड़ा बनाएगा। चाहे तुम इस चीज को accept करो या ना करो, but AI is the future. So it is better कि इस चीज को तुम accept कर लो और जितनी जल्दी हो सके इसको adapt करके चेंज करो अपने आप को। इन सभी चीजों को सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों का यही दिमाग में आएगा कि मैं भाई ये सभी चीजें नहीं करने वाला हूं, मुझे तो कोई सिंपल चीज चाहिए। बट ट्रस्ट मी ब्रो, अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करते हो आज के टाइम पे, योर फ्यूचर इज नॉट सिक्योर, क्योंकि आज सिचुएशन तुम्हें डिमांड कर रही है चेंज करने के लिए। अगर अभी तुम रुके रहे, अगर तुमने अभी भी जाके कुछ अच्छा सीखा नहीं, कुछ अच्छा किया नहीं, तो तुम वही पीछे पड़े रह जाओगे जहां पे तुम सोच रहे हो कि आज भी मैं ऐसे नॉर्मली बैठे रहूंगा या फिर दो चार चीजें कर लूंगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा जो वैल्यू तुम दे सकते हो, जिसके जरिए तुम आगे जाके सर्वाइव कर सकते हो। तुम बिलीव नहीं करोगे, ईस्पोर्ट्स एनालिस्ट के अंदर और स्पेशलिस्ट के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा उन चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, एक ईस्पोर्ट्स प्लेयर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, ईस्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, टीम्स के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, हर एक काम के लिए एआई का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगली चीज जो बहुत ट्रेंड में रहने वाली है वो है 5G कनेक्टिविटी और उसकी वजह से मोबाइल गेमिंग। देखो जो चीज हुआ है ना अभी के टाइम पे 5G आने के बाद, और स्पेशली अभी जो अनलिमिटेड चल रहा है 5G, इसकी वजह से लोग ज्यादा तेजी से डाउनलोड कर पा रहे कोई भी चीज और सुपर फास्ट अपलोड भी कर पा रहे, तो इसकी वजह से लैटेंसी का जो इशू हुआ करता था लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह जो लोग फोन से करते थे या फिर जो अलग अलग चीजें होती थी करने के लिए फोन से ही जो लोग करते थे गेमिंग के पर्पस में, वो लोग अभी बहुत ज्यादा फायदे में है एक्चुअली में। तो इसकी वजह से मोबाइल गेमिंग का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है 2024 में स्पेशली, और 2025 में उससे भी ज्यादा तेजी से होने वाला है, क्योंकि जब लोगों को लत लग जाएगा कि 5G इंटरनेट के बिना हम चल नहीं पा रहे, हमें और तेजी की जरूरत है, तब
तब लोग डेफिनेटली जब 5G भी पैसे से ही हमें खरीदना पड़ेगा तब लोग उस टाइम पे भी 5G को खरीदेंगे और उस टाइम पे भी 5G यूज करेंगे। अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि 4G होने के बाद भी जो है स्पीड बहुत अच्छा खासा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग ना नॉर्मली मोबाइल से भी अपना अगर कुछ करना चाह रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इवन रूरल एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं वो भी 5G का इस्तेमाल करेंगे अच्छे खासे तरीके से, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, वो भी कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए भी यूज करेंगे। तो मोबाइल गेमिंग का मार्केट इज गोना बूम। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस मोबाइल गेमिंग के मार्केट बूम को किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूज कर पाते हो। चाहे तुम मोबाइल गेमिंग से जुड़े कॉन्टेंट बनाओ या फिर चाहे तुम कुछ और काम करो, जैसे मैंने शवल की बात की थी, वैसे ही कुछ इनडायरेक्टली बिजनेस आइडिया सोचो कि तुम मोबाइल गेमिंग के इर्द गिर्द क्या ऐसा काम कर सकते हो, क्या ऐसा क्रिएटिव दे सकते हो लोगों को या फिर बना सकते हो जिससे तुम्हें और लोगों को दोनों को फायदा मिले एक्चुअली। एंड जस्ट बिकॉज मोबाइल गेमिंग ग्रो करेगा, इसकी वजह से क्रॉस प्लेटफॉर्म गेमिंग भी ग्रो करने वाला है बहुत तेजी से। मतलब पीसी, फोन, टैबलेट, जो भी अलग अलग लोग जो भी अलग अलग डिवाइसेस में खेला करते थे, अब मैक्सिमम जो गेम्स आएंगे वो सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म में खेले जाने वाले ही गेम आएंगे नॉर्मली। मतलब दोनों डिवाइस से खेलने वाले लोग एक साथ खेल सकते हैं एक ही गेम को, ये गेम ऐसा ही होगा। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इसका विटनेस मैंने खुद किया है कि जब फ्री फायर था उस टाइम पे जब लोग पीसी और फोन में दोनों में एक साथ में खेल पा रहे थे तब बहुत तेजी से इस गेम का पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक दिन आया जब इन लोगों ने एक अपडेट दिया कि अब से पीसी और मोबाइल वाले दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। इस अपडेट के बाद से फ्री फायर का डाउनफॉल इतनी तेजी से होना शुरू हो गया कि मानो कि उसके बाद से ये लोग कभी उठ ही नहीं पाए। और आज तो फ्री फायर का बहुत ही हालत खराब हो चुका है। ये था कुछ कहानी जो कि एक्चुअली में गेम के साथ हुआ। सो ऐसा ही होने वाला है अगर कोई गेम अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाएगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म गेमिंग, क्योंकि अभी ये पीसी, एक्सबॉक्स या फोन, ये अलग अलग डिवाइसेस ऐसे नहीं रहने वाले, बहुत जल्दी ये सब कुछ एक साथ मर्ज होने वाले। अब हर कोई हर किसी डिवाइस से खेलने के लिए काबिल रहेगा और आपको एक्चुअली में इन सभी से आइडियाज जनरेट करने होंगे कि कैसे मैं इनको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे अपनी करियर को डेवलप कर सकता हूँ। क्योंकि देखो अगर तुम सिर्फ यूटिलाइज के बारे में सोचोगे तो शायद तुम अटक के रह जाओगे, स्टक होके रह जाओगे। बहुत सारे लोग सिर्फ क्लाउड गेमिंग का मजा ही ले रहे हैं लेकिन कोई एक्चुअली सोच नहीं पा रहा है कि मैं इसे अपने करियर को भी बना सकता हूँ एक्चुअली में। जैसे साल 2019 में हर्षित जैन एंड अभीक शाह, इन दोनों ने मिलकर बनाया एक क्लाउड गेमिंग का स्टार्टअप जो आज 4 साल के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करने लगा है। उन्होंने इस क्लाउड गेमिंग सर्विस का नाम रखा है OnePlay। कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ये ऑफर करते हैं लेकिन 39,999 इनका बेस प्लान है जिसमें वो गेमिंग ऑफर करते हैं सिंपल से ग्राफिक चिप सेट में जो कि इक्विवेलेंट है GeForce RTX 3050 के। बस ऑल यू नीड टू डू इज पे द सब्सक्रिप्शन फी एंड उसके बाद पीसी, मैकबुक, स्मार्टफोन एंड इवन स्मार्ट टीवी पर भी खेलना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ये तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये चीज देखने के बाद पर्सनली एज एन इंडियन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर तुम्हें इंस्पिरेशन की कमी लग रही थी तो इन दोनों को देखो और शुरू कर दो। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया याद रखना कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को लेकर करना है, आप चाहो तो हर एक चीज को मिक्स कर सकते हो, फील्ड को मिक्स करके कंबाइन करके कुछ अलग अपना क्रिएटिव कुछ लगा के वहां से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ करो। एंड लास्टली फिर से एक ही बात कहूंगा, याद रखना, ईदर यू हैव टू बी द बेस्ट और यू हैव टू बी द फर्स्ट वन। इसका मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एप्पल का विजन प्रो खरीद लो और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो अपने वीडियोज में, कॉन्टेंट्स में, तो व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इसकी वजह से अगर कर सकते हो, अगर किसी में ये क्षमता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, अपने लिए कुछ सोच सकता हूँ, तो प्लीज गो फॉर इट। क्योंकि जब तुम फर्स्ट आओगे और कुछ नया दिखाओगे देन पीपल विल कम टू यू एंड दे विल स्टार्ट वॉचिंग यू। वरना तुम रिसर्च करो, स्टडी करो, जो भी मैंने फील्ड्स के बारे में बताया ना, ये फ्यूचर है। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मजे करो और हाँ सबसे ज्यादा बड़ी बात 2024 को अपने लिए द बेस्ट ईयर बनाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि इस साल में कुछ ना कुछ तो करना है। और क्या कुछ करना है वो मैं आगे वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। अगर गेमर बनना चाहते हो तो सिर्फ कंटेंट के लिए मत देखो खुद को कि मैं कंटेंट क्रिएटर ही बन सकता हूँ। गेमिंग इज अ वास्ट 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 फील्ड, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सो प्लीज गो फॉर इट।